सत श्री अकाल, तुसी इस वक्त जुड़ चुके हो जस पंजाबी दे नाल ते असी चर्चा कर रहे हैं समाज सेवा और संविधान की, समाज सेवा ते संविधान की। भारत लोकतंत्रिक मुल्क है, आज़ाद होया नूं 75 साल हो चुके हैं। असी जेकर कल्ले हिंदुस्तान की गल करिए तो पूरे हिंदुस्तान दे विच बहुत वड्डियां धारनावां सिरजियां जांदियां ने। इह सिरजियां इस करके जांदियां ने क्योंकि लोगों ने अपने राजनीतिक लाहे लैने हुंदे आ, राजनीतिक मंतव हुंदे आ। अरबी का एक शब्द है कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ मतलब दिल्ली बहुत दूर आ। हले यह कथन इस करके सिद्ध हो जाता है कि जिहड़े लोग वड्डे शहरां दे विच रहिंदे आ, बैठदे आ, जिहड़े खास तौर दे उत्ते संविधानक अहुदिआं दे उत्ते आ, अहुदिआं दे उत्ते मैं मंत्रियों की गल बिल्कुल नहीं करांगा क्योंकि मंत्री नूं नहीं पता हुंदा कि किहड़ी चीज़ नूं किवें फॉर्मेट दे विच लैके आउणा। गल करांगे अफसरशाही की, अफसरशाही जिहड़ी दिल्ली दे विच बैठी हुंदी है, जिहड़ी किसे सूबे की राजधानी दे विच बैठी हुंदी है, जिवें साडा सूबा पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, रौला पिया होया है ना, चंडीगढ़ तो हरियाणे का राजधानी का भी रौला। तो इन राजधानियों के बैठ के, इन राजधानियों के ठंडे कमरे एसी कमरियां बैठ के, बहुत महंगे सूफियां उत्ते बैठ के, हरे पेन अपने हाथों के लैके जिहड़े अफसर नीतियां घड़दे है, नीतियां बनाउंदे है, कि ओह नीतियां नूं समझण की कोशिश करदे है कि नीतियां किहनां लई बन रही ने, जिन्हां लई ओह नीति बन रही है कि उन्हां लई ये नीति कारगर साबित होएगी, जां कदे अधिकारी ग्राउंड दे उत्तर के, जमीन दे उत्तर के हकीकत नूं वेखदे आ कि जिन्हां दे लई असी काम कर रहे हां उन्हां द्वारा चलाई गई कलम उन्हां दे काम आएगी या नहीं आएगी। ये सवाल बहुत वड्डे आ। अज जदों समाज सेवा ते संविधान की गल करदे आ तां तुसीं भली भांत जाणू हो कि प्रा बासरा न्यासरियां दा घर, न्यासरियां दे घर दी संस्था जिहड़ी है, जिसनों भाई साहब भाई शमशेर सिंह जी चलाउंदे आ, जिहड़ी पड़ियाला पिंड बिल्कुल कुराली दे नाल चंडीगढ़ दे कलावे दे विच पैंदा। और ये भी सानूं अफसोस की गल है, माण करन वाली की गल, अफसोस की गल कि चंडीगढ़ जिन्हों एडा वड्डा आधुनिक तरक्की वाला शहर कहा जाता है, उस दे बिल्कुल बुक्कल दे विच सानूं न्यासरियां दा घर बनाउणा पिया। तो चलो वधाई दे पात्र नहीं, सेवा इन्होंने इन्हों तो गुरु ने ली है और गुरु की बख्शिश है कि लगातारता दे नाल सेवा कर रहे हैं। भाई साहब तो जानते हैं कि ये जरा मेरा सवाल आएगा कि ये नीतियां किवें बनदियां ने ते की नीतियां जमीन दे उत्ते आके बनदियां ने। पहला भाई साहब का स्वागत करते हैं। भाई साहब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी। भाई साहब चंडीगढ़ दे विच तुसी भी विचरदे हो कि ये जिहड़ियां नीतियां बनदियां हुण किन्ने उत्ते पुरानी ने तुहाडे कोले, आपणे कोले ये नीतियां नूं अफसर एवें बना दिंदे आ जां जमीन ते आउंदे भी आ जां नहीं आउंदे हैगे, देखण वास्ते कि उहनां दे उत्ते इंप्लीमेंट होणगियां जां नहीं होणगियां। देखो हर एक चीज़ जिहड़ी है ना वो नीयत विचों निकलती है। नीयत विचों नीति ने निकलना, नीयत ने किहदे विचों निकलना, विश्वासां चों। साडा विश्वास की है, असीं चाहुंदे की इस कुर्सी ते बैठ के की ऐशप्रस्ती करनी चाहुंदे आ जी, असीं इस कुर्सी दियां जो जिम्मेवारियां है पब्लिक दियां समस्यावां हल करनी चाहुंदे। इस करके जेकर नीयत होएगी ना, परिवार के प्रति नीयत हैगी है, अपने प्रति नीयत हैगी है, अपनी लोड़ां पूरी होंदियां। नहीं नहीं नहीं, इस तरह का कपड़ा नहीं चाहिए। नहीं नहीं, गर्मी के कंफर्टेबल नहीं, नहीं नहीं, ये तो कॉटन इस होर कॉटन चाहिए। मतलब जिस वेले नीयत है अपने प्रति के नहीं, मेरी सेहत ठीक होनी चाहिए है, मेरे परिवार की सेहत ठीक होनी चाहिए है, तो कि चीज़ हैगी जी के नहीं उस वेले असी विसार देने। नहीं टॉयलेट इदा चाहिए, पानी कहते नहीं नहीं, इन लीटर की टैंकी नहीं चाहिए, इन्ने लीटर की टैंक चाहिए, क्यों इन्ने परिवार के मैंबर अपन बाई चांस कुछ देर पानी लेट हो गया तो कुछ स्टोर भी चाहिए। मतलब किस डेप्थ तक जाने जिथे कि असं महसूस भी नहीं केवर कर पाते। तो इस करके ये चीज़ जी नीति हैगी है, इन्हें नीयत विचों निकलना है, जिस तरीके नीयत बनती जाएगी उस तरीके ये नीतियां दे विच जिहड़ियां इनकंप्लीट है वह कंप्लीट होणगियां। इट मीनस के जिहड़े जिहड़े लोग मतलब जिन्हां दी सेवा दी आपां गल कर रहे हैं, जिहड़े प्रभ आसरा संस्था दे विच आए हुए प्राणी ने, जिहड़े कुदरती तौर पर ला लीए समाजिक समस्यावां दे विचों ला लीए, मानसिक समस्यावां दे विचों ला लीए, शरीरक समस्यावां दे विचों ला लीए, जिहड़े बेचारे अपना आप नहीं अपनी किरिया भी नहीं सोच सकते हैगे, जिहड़ी उहनां दे लई जिहड़ियां नीतियां बणदियां ने उन्हां दे लई ओह नीयत है नहीं साडे अधिकारियां दे विच जां ग्राउंड दे उत्ते। मैं जिहड़ी गल जमीनी हकीकत ते कदे आउंदी है विचरदी आ के जिहड़ी तत्थ है ना जी, तत्थां दे आधार ते आपां तत्थ नूं समझण दी कोशिश करनी है ना। बिल्कुल, तत्थ की हैगे कि जिस वेले बंदा अपनी संभाल आप नहीं कर पा रहा, वह नौजवान है, अपनी संभाल नहीं कर पा रहा ते अपने लिए या दूजे लिए कुछ ऐसा काम कर रहा है जिहड़ा कि उहदे लई नुकसानदायक है, कि उस नूं इमीडिएटली
जिहड़ी कि उहदी इक मां है, विधवा है, कल्ली है घर दे विच, या बजुर्ग है, प्यो है, वो जिन्हां नूं वो कोऑपरेट नहीं कर रहा इस वेले, उन्हां नूं इमीडिएटली जे हॉस्पिटल ना लिजाया गया, डॉक्टर कोल ना लिजाया गया, तां वो अपना नुकसान भी कर रहे, उन्हें समान भी बहुत तोड़पन कर दी। हुण जेकर उस दे लई कोई हैल्पलाइन काम नहीं कर रही, हुण असीं इस लई कोई अनसरेबल नहीं बनाया गया। एक एग्जाम्पल तां तथ की कह रहे हो कि नीति बनाउण दे विच कमी है, जदों तुसीं कहिंदे किसी दे दंद ते सट मारी, किसी ने दंद तोड़ दिता, ते आ एक्शन होएगा उहदे उत्ते, उहदे उत्ते 25 नहीं बननी, उहदे 26 बननी है। ते फिर जेकर उस वेले हैल्पलाइन ने हैल्प ना कीती, उहदे ते किन्नी बणूगी? बहुत इंपोर्टेंट सवाल जी, कंटिन्यू। ठीक है, इस तरीके नाल जिस वेले एक औरत है, एक लड़की है, सड़क दे उत्ते, कोई भी इंसान है, साडा नागरिक है, बच्चा है ते बजुर्ग है, उस सड़क दे उत्ते कई दिनों तो रुल रहा, उहदे कपड़े दस रहे हैं, उहदे हालात दस रहे हैं, भी इस हालत दे विच उहदे नाल कुछ भी हो सकता। वो ऐसियां लड़कियां जो कि मतलब साडियां दा हड बीतियां बहुत ज्यादा ने, लगभग 2000 लोगों नू डील करन तो बाद आपां गल कर रहे हैं जी, बिल्कुल, ये कोई पढ़ के नहीं कर रहे, कोई सुन के नहीं कर रहे, वह इन्ने दिनों तो उत्थे रुल रही है, उस दे नाल घटना घट जाती है। जे आप पिछले 2 हफ्ते दियां भी केस कढ लेंगे ना, उहदे च इही है कि जे उस नूं मौके ते संभाल लिया जांदा ते उहदे नाल ही जुल्म ना हुंदा, रेप ना हुंदा, ते जदों हैल्पलाइन ते फोन चलिया गया ते उस नूं रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया उत्थों, और रात नूं नीले आकाश थले भुखी प्यासी नूं इन्हां हालातां दे विच क्यों छड्डिया गया, उस दे लई अनसरेबल कोई क्यों नहीं बनाया गया, उस दे लई पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन नूं इन्ने वड्डे डिपार्टमेंट बनाते, जे मैं तुहानूं गुणाउण लग जां ते मैनूं लगदा किन्ना मिंट लग जाएगा। उह कहिंदे नहीं, सोशल सिक्योरिटी दे वी साडे ए ऑफिसर हैगे, नोडल ऑफिसर तों लै के, ते उस तों बाद फिर साडा नहीं, साडे मैजिस्ट्रेट हैगे, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैगे, साडे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैगे, साडे पुलिस डिपार्टमेंट हैगे, साडे लीगल सर्विस, मतलब इन्नियां ज़्यादा अथॉरिटीज बना दित्तियां, ते उह उस बीबी नूं डिपार्टमेंट बनाता, इन्हां दे राइट्स कित्थे गए? इन्हां नाल इन्ना धक्का क्यों धक्का कि बोल नहीं सकदे? कि हुण इन्हां नूं भी समझाउण दे लई सड़कां सड़कों से मर जाते बेचारे, स्वार्थी लोगों के जुल्म का शिकार हो जाते। ये तत्थों के आधार से जेकर हम आप तत् विचारी तो मतलब की निकलूगा भी नीतियां किदा दी है? नीयत माड़ी है ना, नीतियां तो चलो नीति बनाती, नीयत नहीं हैगी इंप्लीमेंट करनी। वो जी नीति बनाई है ना, वो ग्राउंड रियलिटी तुसी कहिंदे भी जिस वेले फील करने की गल की ना, तुसी फील करना तो बहुत दूर की गल है, उस तो पहला की होंगे सोच आती है, सोच तो पहला बलबले उठते हैं। मैं कहना अज तक बलबला भी नहीं उठा कि यार वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, या ऐसे साढ़े देश के नागरिक हैं। जे किसी अज पूछ लिए आप किसी वाले भी ये विचार कर सकते हैं जी, ये उत्ते एक्सपर्ट ले सकते हैं आप, सरकार दे साड़ियां सरकार असी सब की रिस्पैक्ट करते हैं, पर इन्हें नागरिकों थोड़ा भेट चढ़ा दूंगे रिस्पैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सच तो सच ही है ना। हुण एक डिप्रैशन च पीड़ित औरत जिहड़ी छोटे जे बच्चे नाल, 3 दिन दे बच्चे दे नाल सड़क ते रुल रही है, ये सच्चाई है प्यारे दर्शकों, सुन लो, नहीं साडे कोल तां पहुंची होई है ना, असीं उत्थे जांदे आं ते देखदे आं जी भाई साहब। हां उहदे लई कीड़ी नीति है? हैगी कोई नीति? जे हैगी तां कित्थे, कि उहदे लई कोई ऐसी चीज जगह बनी होई है जिथे रात नूं उहनूं रखणा? नहीं नाले कहिंदे असीं मतलब वो आसरे इन्होंने अपने वालों वो बनाए हुए ने, शैल्टर होम बनाए हुए है, सीनियर सिटीजन होम मैं कई बार कई शहरों के देखे है, या जिहड़ा साडा इस्त्री ते वाल विभाग विभाग है वो की करदा फिर, या उहदे अधिकारी जिहड़े लखां रुपए तनखाह लैंदे आ, सरकारी गड्डियां लैंदे, अमला फैलां लई बैठे, वो की करदे जी सर? उहदे विच सैक्रेटरी प्रिंसीपल सैक्रेटरी होणगे, उस दे विच मिनिस्टर भी होणगे, उस दे विच अगे डायरैक्टर भी होणगे, उस दे विच किन्ने मतलब अगे जॉइंट डायरैक्टर भी होणगे, किन्ना नीचे तक आऊंगे तुसीं, किड्डा वड्डा डिपार्टमेंट है, ते उहनां दा फायदा किसे नूं की है जी? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ? ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਖ਼ਤ ਬਹਿ ਤਖ਼ਤੇ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। राजे तो बिना परजा हैगी है, परजा तो बिना राजा नहीं है, नहीं है, इस नूं इग्नोर नहीं करना चाहिए, अज नहीं कल नूं इत्थों सारे ने चले जाना। कि तुसी सर मैं तुहाडी गल नाल सहमत हाँ, सानूं गुरबाणी बार बार चोटां मारदी है, सद्दां दिंदी है ना, मैं तो पंजाब की जदों गल करदा तां मैथों गुरबाणी बिना रह नहीं हुंदा, सातों नहीं रह होना है ना,
पर की तुसी तुहाडा जदों वाह वास्ता पैंदा है इन्हां अधिकारियां नाल तां तुसी अपने वल्लों कदे इन्हां नूं सवाल कीता कि यार तुहाडी जिम्मेवारी तय हुंदी है तुसी तनखाहां लैंदे हो ठीक है तुहाडी गल बहुत महत्वपूर्ण है कि वलवला सब तो पहला उठता है ना की इन्हां दे अंदर किसी किस्म का वलवला कदे नहीं उठता है कुछ एक अधिकारी तो है मैं उन्हां दा जिक्र ब्रेक के अगले रिपार मतलब अगले सैगमेंट के करांगे आपां जिहड़े साडे नाल जुड़े भी हुए है ना साबका ने बेशक दी उहो तुसी कदे इन्हां नूं सवाल नहीं कीता भाई साहब कि यार माड़ा मोटा तो सोचो तुसी जिस वेले ना प्रेशर जिहड़ा हैगा एक्शन च कौन आउंदा जिहनूं वोटां वध पैंदियां पावर च कौन आउंदा जिहनूं वोटां वध पैंदियां उहनां दे अंदर जे इंसान है जमीर है आत्मा है कुछ ना कुछ तो अंदर आउंदा पर उस दे नालों ज़्यादा प्रभाव यह होंदा कि मैं अपने सीनियर नूं खुश रखना कुर्सी जिहड़ी हैगी उह कुछ होर कह रही है जिहड़ियां जिम्मेवारियां इस पोस्ट दियां उह कुछ होर कह रही है पर उस दे विच उहनां नूं इह है वी जिन्ना कु उहनां नूं सिग्नल मिलना है उन्ना की काम उन्होंने तो होना है और इस दे विच हैगे हैं सज्जन वो बहुत थोड़े हैं पर जिथे जाके इन्हां दी समस्या का हल निकलना है जिहड़ा उहदे लई बंदे दे अंदर इंसान जिन्ना पावरफुल चाहिए जी बिल्कुल उन्ना पावरफुल जिदण हो गया तुहानू सवाल करने की लोड़ नहीं पैनी सवाल थोड़ा आपे खत्म हो जाना दर्शकों बिल्कुल बड़ी इंपोर्टेंट गल कही है सर ने कि फिर सानू सवाल करने की लोड़ नहीं पैनी जदों अंदरों जां जे सिग्नल सही चलन लग गए तो सारा कुछ सही होना शुरू हो जाना इस करके सूरज चढ़िया होवे ते पुछण दी लोड़ नहीं हुंदी भी सूरज चढ़िया कि नहीं भरा इस करके हाले बदनाम बदलू जा थोड़ा दूर ही है मैं एक दिन सवाल पूछा सीगा भाई साहब नूं जिस दिन सैक्टर 28 दे विच साढ़े सारे सज्जनों इकट्ठे हुए सीगे मैं भाई साहब नूं पूछा सीगा भैन जी नूं भी पूछा सी मैं कहा बदलाव की गल हुई सी तुहाडे लई तां बदलाव आ गया तुहानूं सड़कां ते उतरना पै गया तुहाडी बिजली कट्टी गई तुहाडा पानी कट्टिया गया वक्त एक ब्रेक का होया ब्रेक के अगलेरे पार ना ये चलो असी थोड़ा हल्का फुलका जिहा इस करके रखिया सीगा हासा खेड के तुहानूं इह ना किते महसूस होवे कि असी जाणबुझ के कुछ गल्लां बना रहे नहीं पंजाब आओगे जदों तो विजिट करो कदे सड़कां ते तुहानूं अक्सर दिस जाणगे पर विजिट करो उत्थे फिर जाके पता लगेगा कि असल दे विच साडी समाजिक स्थिति की है साडी राजनीतिक स्थिति की है असी किस तरह दीआं गल्लां करदे आ कहिंदे कुछ होर आ ते करदे कुछ होर आ ब्रेक के अगलेरे पार समाज सेवा ते संविधान इसे चर्चा नूं अगे तोरांगे ब्रेक दे स्पार तुहाडा मुड़ तों स्वागत है चर्चा समाज सेवा ते संविधान दे विच भाई साहब भाई शमशेर सिंह जी नाल इस गल दे उत्ते चल रही आ कि साडा जिहड़ा एड्डा वड्डा अमला फैला है हालांकि पहले भाग दे विच बड़े सारे उत्तर दित्ते कि नीयत ही नहीं है तो फिर नीति किवें लागू होगी संविधान साडा सानू बहुत हक दिंदा बहुत अधिकार दिंदा असी जिहड़े ठीक ठाक हाँ जदों धक्के साडे नाल हो जांदे है तो फिर उह जिहड़े मजबूरियां बस लाचार हो गए बेबस हो गए किसी भी पक्ष तों तो उन्होंने नाल की कुछ होंगे हमने दस के हटे है कि छोटा जा बच्चा तीन दिन का बच्चा तो बीबी सड़कों के उत्ते रुलदी हो फिर साढ़े अधिकारी कितने जाते एड्डा वड्डा अमला फैला जिन्हां दी करोड़ों रुपये तनखाहां जांदियां है पर एक पासे कुछ एक लोग ऐसे भी है जिहड़े जिदां भाई साहब ने पहला दस्सिया कि बड़े थोड़े है आटे दे विच लूण दे बराबर ही है वह कुछ एक हैगे अधिकारी ऐसे जिहड़े अपनी नौकरी दे दौरान समझदे आ कि साडी असल दे विच जिम्मेवारी की बनती है भाई साहब उन्होंने मित्र भी ने बहुत सत्कारक बहुत सीनियर ने उन्होंने विवाद पाने भाई साहब ब्रेक तो बाद मुड़ स्वागत है मैं जी वो गल कर रहा कि कुछ एक अधिकारी जे आटे च लूण के बराबर ने मैं उत्थे आप मिले हैं किन्नी बारी कि भाई साहब जसबीर सिंह बीर जी जे डिप्टी कमिश्नर पटियाला होंगे सके मेरा उन्होंने वाह वास्ता पैंदा रहा जो असं उत्थे पटियाले होंगे सके वो लगे रहे हैं जी तनदेही अजकल भी थोड़े नाल जुड़े हुए ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ते असी डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं, डिप्रैशन च क्यों चले जाते हैं, इस दे भी आप किसी वेले चलो समय लगे आप जरूर विचार करांगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे है ना। तो इस करके उन्होंने जो कुछ किया वो अपनी सोच के मुताबिक अपनी परसनैलिटी के मुताबिक कि नहीं मैं जस्टिस करना जो मैं कुर्सी मिली है वो जस्टिस करने की कोशिश जी उन्होंने लगातार जारी रही है। तो वह कोशिश जी है वो इंसानियत के आधार पर भी मेरा फर्ज है ये मेरी संविधानिक ड्यूटियां है, क्योंकि जो संविधान है ना वो असल है तो समाज भलाई लिए है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हुण संविधान तो जो इंसानियत अपने अलग करता ना फिर उस संविधान कर चेंज करने की लड़ है। हाँ बड़ी महत्वपूर्ण गल कही है, पर मैं हुण भाई साहब नूं की दसा कि असल दे विच अजकल संविधान बदलिया जा रहा है, उहदा तरीकाकारी कुछ होर है, तो उहदा मंतव कुछ होर है। भाई साहब फिर इहनां दी जवाबदेही तय किवें होगी, जिहड़े अधिकारी जिहड़ा अमला फैला जिहड़े मंत्री जां जिहड़े मुख्यमंत्री जां जिहड़े प्रधानमंत्री इन्हां नागरिकां प्रति जां किसे भी नागरिक प्रति इन्ने अवेसले हो चुके हैं, इन्हां दी जवाबदेही किवें तय होगी? कि समाज नूं अपने आप जवाबदेही तय करनी पएगी जां फिर पीड़ितां नूं उठ के अगे आउणा पएगा? नहीं नैचुरली तो पिछला समा देख लो, जो मर्जी देख लो, तुम हूँ घटनावां देख लो, साल पहलियां देख लो, मतलब सदी पहलां दीआं देख लो, तो गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे धर्म युद्ध का चाहो, और युद्ध कहिंदे मैं करना नहीं चाहुंदा, कृष्ण जी कहिंदे मैं युद्ध करना नहीं चाहुंदा, पर कहिंदे चाहो धर्म युद्ध का। फिर उन्होंने ज्यों पिछली हिस्टरी मतलब सारी दसी है ना, तो इस तरीके मतलब जिन्हें भी लाइक कह लो भी सच का जो आशक है, इंसानियत का आशक है, मानवता का प्रेमी है, समाज का दर्दी है, तो उसने तो फिर जिमें डॉक्टर ने अपने तरीके बदल बदल के मरीज का इलाज करना होंगे है ना, उन्हें तो हालातों का इलाज करने के लिए अपना सब कुछ लाना होंगे, लायावा ही होंगे, उन्हें सिर्फ उस वेले लोड़ अनुसार तरीके समाज जड़ा हैगा भी किस तरीके नाल किस समय केड़ी चीज दी मांग करना है, अदरवाइज वो मर के चलिया हुंदा। हां तो जीवन जड़ा हुंदा ना असल च हुंदा ही मौत विचों है, सच दे आशकां दा जीवन जड़ा हुंदा ना एक तो हुंदा आम इंसान जमदा है ते फिर मरदा है, वो मरदे हैं ते फिर जमदे हैं, पुनर्जन्म एक तरह दा आपां कह सकदे हां, रीफॉर्मेशन इस शरीर दे अंदर पहला मरदे हैं, वो इस शरीर दे विच जो मरदे हैं ते फिर वो जमदे हैं, इस करके उन्हां नूं मौत जिहड़ी है ना समाज दा भला इहदे विच ही है, जो तुहानू अंदरों तुहाडे अंदरों आवाज आ रही है पर तुहाडी आवाज आउणी भी मतलब फेड हो जाणी ते घट जाणी जे माया दा रौला ज्यादा पै गया अंदर भी कुर्सी बनाउणी किदां ते बचाउणी किदां, जे इहदा रौला ज्यादा पै गया भी फिर तुहानू अंदरों आवाज भी जिहड़ी सौखी सुणनी, जे सुन ली ते थानू दूजे ख्यालां ने सहम दे स्वार्थ दे लालच दे हंकार दे लोभ दे उन्हां ख्यालां ने थानू इन्ना घेर लेना भी जिहड़ी अंदरों आवाज आई है ना तुसीं उस नूं उस दे आधार ते एक्शन लेण च फेल हो जाना, सोच के भी सोच नहीं, सोच के भी तुसीं कर नहीं पाउणा, सोच लूंगे पर कर नहीं पाउणा, क्यों? क्योंकि वह सोच कमजोर है, दूजी सोच बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गई, संस्कार होर स्ट्रोंग हो गए, इस करके तुसीं गल कर रहे सी वीर साहब उन्हां दी, इहदे अंदर उह स्ट्रोंग है कि नहीं मेरी ड्यूटी बनदी है, होर वी इदां दे अधिकारी होणगे जी। हाँ नेचुरली है, कुदरती भाव दे, मैं नहीं चाहुंदा कि आपां नाम उन्हां दा डिस्क्लोज करिए, हाँ मतलब होर भी होणगे, हाँ नेचुरली है, कोशिश कर रहे हैं ते कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उही बेनती कर रहा हूं इस लई कोशिश दी जिन्नी लोड़ है ना ओदी अजे कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, अजे सफर बहुत बाकी है, अजे ते असी जिवें कहिए ना बैठना ही सीखिया, अजे खड़े होना ते तुरना है, क्योंकि समस्या में दूजे ने सफर बहुत तय कर लिया, ते नवीं सरकार जिहड़ी बनी है इसे दे विच भी पहिली मतलब पुरानियां च भी समस्यावां आ रहियां सीगियां, पर नवीं दे विच इक वड्डी समस्या आ गई सीगी जदों आपां उदों इस सारे मसले नूं वेख रहे सीगे कि कई दिन की बिजली बंद हो गई सी, इन्हां नाल तुहाडे हुण कोई राबता बने आ या इन्हां ने कोई नवी मीटिंग पलीठी मीटिंग रख के तुहाडे लई या तुहाडे नाल या उन्हां लोकां दे नाल इंसाफ करन दी गल कीती जी कोई? जिस तरीके नाल उन्हां नागरिकां दे प्रति सोचना चाहिए है ना जी, असीं फील करते हैं कि उस तरह जो सोचा नहीं जा रहा, जिन्हां नूं असीं जिन्हां दीआं खबरां असीं सुणदे हैं कि इन्हां ने सुसाइड कर लिया, अजे दिन चढ़ता है इन्हां ने फलानी जगह सुसाइड कर लिया, मैं कॉलेज भी सुसाइड कर लिया, मैं यूनिवर्सिटी भी सुसाइड कर लिया, मैं हॉस्पिटल डॉक्टर ने भी सुसाइड कर लिया, कहिंदे की दसीए तुहानूं किवें दसीए हुणे, मैं वाकई तुसीं आ देख रहे हैं इत्थे घरां च इन्ना कुछ हो गया, नहरां दे विच इदां लाशां देख रहे हैं, कहिंदे दसीआ नहीं जा रहा, मतलब जे असीं जिहड़े कि माहर हैं इस फील्ड दे जदों असीं उन्हां नूं पुछदे हां उन्हां ने की नैट दे उत्ते पिया सारा कुछ, ठीक है ये कोई दसण की गल नहीं, हुणे कट कट के इस वेले भी साडे जिहड़े
ਸਜਣ ਦੀ ਸਜਣ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 13% ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲਾਈਏ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ 26 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ 26 ਲੱਖ ਲੋਕ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 20% ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਲੋਕ ਲਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 0.5% ਲਾ ਲਈਏ ਛੱਡੀ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ 0.5% ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ 0.5% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜੋਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸੱਜਣ ਬਿਲਕੁਲ 85 ਮਤਲਬ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 82 ਜਾਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀੜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਏ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ 2 ਪੱਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਮਥਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੇਣਾ 2 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਨੂੰ ਜੋ ਗਊਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਏ ਨਹੀਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਾਓਸ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਫਰੈਂਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਸੈਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟ ਰੱਖਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ
ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾਪਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਖੀਰਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਜਿਸ ਬੱਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ बहुत वड्डा सवाल है और समा कह रहा है कि थोड़ा जिहा रुक जाइए इन्हां सारे सवालों के नाल फिर तो जो अगले गलबात करांगे जो भाई साहब के नाल सचमुच बहुत वड्डा अखीरला सवाल छड्ड के जा रहा है तो मैं तुहानू एक बेनती करदा प्यारे सज्जनों तुसीं ना हुण इह करो कि इंटरनेट दे उत्ते जाओ जिहड़ियां जिहड़ियां असल तस्वीरां तुहानू भाई साहब ने दसियां ने उह सारियां तस्वीरां दे नाल सांझे होवो ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰੰਗਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।